हिंदू धर्म एक संकुचित धर्म है। हिंदू धर्म इज ए जो धर्म है वो एक ऐसा धर्म है जो इसमें जाति में जाति होती है, यानी कि ये देश के लिए विघंसकारी है। कितना ही बड़ा कोई विद्वान आदमी क्यों ना हो, वह शंकराचार्य हिंदू धर्म में नहीं बन सकता है, क्योंकि शंकराचार्य बनने के लिए पहली शर्त यह है कि वो मूर्ख होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड मूर्ख होना चाहिए, उसकी भावना संविधान विरोधी होनी चाहिए। एक संविधानवादी व्यक्ति, एक विज्ञानवादी व्यक्ति कभी कोई शंकराचार्य हिंदू का हिंदू मंदिर का पुजारी नहीं बनेगा। इसलिए किसी भी शुल्कास्त के आदमी को, किसी भी ओबीसी के आदमी को, किसी भी महिला को, किसी भी मूल निवासी को, किसी भी छोटी जाति वाले लोगों को मंदिर में नहीं जाना चाहिए। अगर राम कृष्ण या ईश्वर का नाम भी आ जाए तो कुल्ला कर लेना चाहिए, कॉन्ग्रेट करना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। किसी ईश्वर के ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि अपदीप भवो, अपना दीपक स्वयं बनो, ऊपर इन आकाश की बदलियों से निकलकर कोई फरिश्ता आपकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए नहीं आएगा, आपको अपना भला खुद करना होगा। विवेकानंद जैसे विद्वान आदमी को जो कास्ट जाति से थे, और कास्ट जाति को हिंदू धर्म के अंदर शूद्र माना जाता है, और इवन जाट को भी शूद्री माना जाता है, महिला मंदिरों में रहती थी, तो महिलाओं के जो बच्चे पैदा होते थे, पुजारी महिलाओं से बच्चे पैदा करते थे, उनको हरिजन कहा गया कि ये भगवान के संतान है। इसलिए हिंदू धर्म की आड़ में मंदिरों में इस तरह का एक लीगल प्रोस्टिट्यूशन किया जाता है उन अबलाओं के साथ में। अय्यर सिंह जी, क्या कोई दलित शूद्र छोटी जाति एससी एसटी ओबीसी व्यक्ति पंडित ब्राह्मण पुजारी बन सकता है क्या? देखिए, हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार कोई भी ओबीसी का व्यक्ति, शूद्र का व्यक्ति, या कोई शुरकास्ट का व्यक्ति, या एसटी का व्यक्ति, या कोई मीना, या कोई आदिवासी किसी हिंदू मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता है, और ना ही उनको पुजारी बनने की जरूरत है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि जब स्वामी विवेकानंद के बारे में कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस बंदोपाध्याय जस्टिस ने कहा था कि अगर मैं राजा होता तो स्वामी विवेकानंद को मैं फांसी की सजा पर चढ़ा देता, क्योंकि स्वामी विवेकानंद एक शूद्र है, और शूद्र को हिंदू धर्म में संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। तो जो विवेकानंद जैसे विद्वान आदमी को जो कास्ट जाति से थे, और कास्ट जाति को हिंदू धर्म के अंदर शूद्र माना जाता है, और इवन जाट को भी शूद्री माना जाता है, अहीर यादव को भी शूद्र माना जाता है, और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हनुमान जो है जो हिंदुओं के एक देवता हैं, वो भी एक शूद्र दलित जाति से थे, शूद्र दलित जाति से थे, इस बात का उनका बहुत ज्यादा विरोध हुआ। इवन उनको शूद्र या दलित जाति का हनुमान को इसलिए कहा गया क्योंकि वो राम की गुलामी करते थे, उनके एक दास की तरह थे, उनके एक गुलाम की तरह थे। दूसरा, किसी मंदिर का पुजारी बनने के लिए किसी शुल्कास्त को जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद उन्होंने बौद्ध मंदिरों को इस भारत की मूल श्रमण संस्कृति के मार्ग को खोल दिया। तो किसी को हिंदू मंदिर में जाने की या पूजा करने की जरूरत नहीं है। इवन हिंदुओं के पुराने ग्रंथों में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हाथी के पैर के नीचे कुचल के मर जाए, लेकिन उसे किसी भी जैन मंदिर में शरण लेने की जरूरत नहीं है। तो किसी ओबीसी के जो भी आदमी है, ओबीसी समाज के, चाहे वो मौर्य समाज के हैं, चाहे वो जाट हैं, चाहे कुशवाह हैं, चाहे वो कोई भी ओबीसी के लोग हैं, वे लोगों को हिंदू धर्म के अंदर मंदिर का पुजारी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार जो शूद्र जाति के लोग हैं, इवन किसी बनिया को भी नहीं बनाया जा सकता। बनिया जो हिंदू धर्म को या मंदिरों को दान देते हैं, उनको भी हे दृष्टि से देखा जाता है। और आप देखेंगे कि आरएसएस के अंदर उस ब्राह्मण को भी आरएसएस का हेड या मुख्य नहीं बनाया जा सकता, कि जो ब्राह्मण शुल्कास्तों की बस्तियों के पास या मुसलमानों की बस्तियों के पास रहता हो, या उनकी बस्तियों से निकल के जाता हो। तो हिंदू धर्म एक संकुचित धर्म है। हिंदू धर्म इज ए जो धर्म है
वो एक ऐसा धर्म है जो इसमें जाति में जाति होती है, यानी कि ये देश के लिए विघंसकारी है। और जो जातिवाद है या जाति होना, हिंदू धर्म का अस्तित्व खत्म हो जाएगा अगर जातिवाद खत्म हो गया, जातिवाद खत्म कर दिया जाए। अगर जातिवाद खत्म कर दिया गया तो हिंदू धर्म स्वतः ही खत्म हो जाएगा। इफ यू आर ए हिंदू यू मस्ट हैव ए कास्ट, देर इज नो हिंदू विदाउट एनी कास्ट। जो आर्टिकल में, जो भारत के संविधान में अनुसूचित जाति बनाई गई है, सुरकास्ट सोलिडरी ट्राइब्स बनाई गई है, उनके बारे में जस्टिस मैथ्यू साहब का ये कहना है कि सुरकास्ट इज ए कास्ट, वो कोई कास्ट नहीं है इन द ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ कास्ट, बल्कि वे लोग हैं जिन पर सदियों से जुल्म, सितम, अन्याय, अत्याचार और शोषण किया गया है, जिनका एक्सप्लोइटेशन किया गया है, जिनकी जमीन छीन ली गई है, जिनके राइट एजुकेशन का राइट छीन लिया गया है, जिनके लैंड के या मूल प्रॉपर्टी के राइट छीन लिए गए हैं, जिनको गुलाम बनाने के लिए तत्पर किया गया है। अगर कोई ओबीसी का आदमी, कोई दलित, कोई शूद्र, कोई आदिवासी, कोई शूरकास्ट, कोई एसटी अगर हिंदू धर्म में रहेगा तो वो केवल गुलामी के लेवल तक ही रहेगा। इसलिए पेरियार रामास्वामी कहते थे कि आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि अगर आप हिंदू धर्म में रहेंगे, ये देश के शूरकास्ट हिंदू धर्म में रहेंगे या हिंदू देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो 1000 साल तक भी देश में छुआछात खत्म नहीं हो सकती। मंदिरों में जिन महिलाओं को रखा जाता था, उन महिलाओं को जो बच्चे पैदा होते थे उन्हें अय्याशी के लिए रखा जाता था, जिन महिलाओं को, उनको उनके बच्चों को हरिजन कहा जाता था, जिनको जो उसमें सखियां रहती थी या जो भी उनके वहां पर जो महिला मंदिरों में रहती थी, तो महिलाओं के जो बच्चे पैदा होते थे, पुजारी महिलाओं से बच्चे पैदा करते थे, उनको हरिजन कहा गया कि ये भगवान के संतान है। इसलिए हिंदू धर्म की आड़ में मंदिरों में इस तरह का एक लीगल प्रोस्टिट्यूशन किया जाता है उन अबलाओं के साथ में जो वहां पर दासी के रूप में रह रही है। ये साउथ इंडिया के मंदिरों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। इस बात का विरोध महिला संगठनों को करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि महिलाओं, कितना ही भी बड़ा कोई पुजारी, कितना ही भी बड़ा कोई विद्वान आदमी क्यों ना हो, वह शंकराचार्य हिंदू धर्म में नहीं बन सकता है, क्योंकि शंकराचार्य बनने के लिए पहली शर्त यह है कि वो मूर्ख होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड मूर्ख होना चाहिए, उसकी भावना संविधान विरोधी होनी चाहिए। एक संविधानवादी व्यक्ति, एक विज्ञानवादी व्यक्ति कभी कोई शंकराचार्य हिंदू मंदिर का पुजारी नहीं बनेगा। पहली बात, जो आदमी छुआछात को मानता होगा, जो आदमी समाज में ऊंच नीच को मानता होगा, जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि नहीं होगी, जो व्यक्ति तर्कशील नहीं होगा, जो व्यक्ति अंधविश्वासी होगा, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे महामूर्ख को मंदिर का हेड बनाया जाता है और शंकराचार्य उनको ही बनाया जाता है जो मुफ्त का खाना खाते हैं, जो हिंदू धर्म के बहाने आम लोगों को लूट कर उसकी दौलत से केवल छुआछात बढ़ाते हैं, सांप्रदायिक दंगे बढ़ाते हैं। ईमानदारी इंसानियत की बात यह है कि कोविड 19 में एक भी हिंदू धर्म के मंदिर ने, एक भी हिंदू धर्म के वालों ने किसी भी व्यक्ति को, रोगी को, विक्टिम को, पीड़ित को, किसी व्यक्ति को भी एक पैसा दान नहीं दिया। मंदिरों से कोई मदद नहीं मिली। और दूसरी तरफ आप बौद्ध गया के मंदिरों को देखोगे, बौद्ध गया के मंदिरों ने वाकई कितने ही लाखों करोड़ों रुपए लोगों को भोजन के लिए, लोगों की मदद के लिए, उनके इलाज के लिए दिया। और इवन कई ऐसी सामाजिक संस्था थी जिन्होंने कोविड-19 महामारी में पैसा दिया। और आज हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो होम मिनिस्टर है, या ये कहें कि जो हिंदू धर्म के नाम पर देश के पैसे को आरएसएस को दे रहे, मंदिरों को दे रहे, और जितने भी कोई भी पत्थर या उसका जो मंदिर का निर्माण हो रहा है उसमें सरकारी पैसा या सरकारी अधिकारी अपना पैसा दे रहे या शेयर दे रहे जिनका इनकम टैक्स और ब्लैक मनी का है, तो ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। जबकि कोई भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल मेडिकल कॉलेजेस या कोई लॉ के लिए उनकी फीसों को आसमान छू रही है, कोई फ्री में हॉस्पिटल नहीं खोले जा रहे हैं, तो ये देश में है। ये अगर देश को हिंदू धर्म से सबसे ज्यादा खतरा है, देश को हिंदू धर्म से सबसे ज्यादा खतरा है। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने द थॉट्स ऑन पाकिस्तान
द पार्टीशन ऑफ इंडिया के बुक में पेज नंबर 358 पे लिखा है कि भारत के नागरिकों को हर कीमत पे भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना होगा। अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन गया तो देश में बड़ी तबाही आ जाएगी, लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी, बेरोजगारी फैल जाएगी और लोगों में सांप्रदायिक दंगों को बल मिलेगा और लोग नॉन साइंटिफिक थिंकिंग के हो जाएंगे, लोगों को गुलाम बना लिया जाएगा, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं होगा, ओबीसी को कोई अधिकार नहीं मिलेगा, शुल्कास्तों का कोई राइट प्रोटेक्ट नहीं होगा, पुलिस उनका कोई केस दर्ज नहीं होगी। इसलिए हर कीमत पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हर कीमत पर हिंदू राज्य को, हिंदू राज्य की जो भावना है उसको खत्म होना होगा, करना होगा और संविधान को मजबूत बनाना होगा। ये देश के नागरिक जब तक सुरक्षित है जब तक भारत का संविधान सुरक्षित है। इसलिए 33 करोड़ देवी देवताओं के होने के कारण भी भारत गुलाम बन गया, टर्किस का, ब्रिटिश का और मुस्लिम का, इनके गुलाम बन गया। तो हिंदू धर्म की बुनियाद एक 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 छुआछूत पर टिकी हुई है, असमानता पर टिकी हुई है। जिस देश में जाति होती है उस देश के लोग देशभक्त नहीं होते, जिस देश में जातिवाद होता उस देश के लोग कभी भी वैज्ञानिक थिंकिंग के लोग नहीं होते। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हर कीमत पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मंदिरों में अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं है, मंदिरों में अंधकार के अलावा कुछ नहीं है। आप जम्मू कश्मीर के एक मंदिर में देखोगे कि एक नाबालिग लड़की के साथ वहीं के पुजारी ने बलात्कार मंदिर में कर दिया। अगर मंदिरों के अंदर भगवान होता, कोई देवी देवता होता तो एक महिला के ऊपर कैसे अत्याचार होता। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं। 1905 के अंदर प्रफुल्ल चंद्र राय जी ने एक पुस्तक लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ द हिंदू केमिस्ट्री में लिखा था कि भारत के गुलामी के केवल दो ही कारण हैं। पहला कारण भारत के अंदर छुआछूत होना, आपसी फूट होना, वर्णव्यवस्था होना, जातिवाद होना, और दूसरा कारण यहाँ भारत के अंदर वेद और गीताओं की शिक्षा थी जो नॉन साइंटिफिक थी, जो विज्ञान पर आधारित नहीं थी। इसलिए किसी भी शुल्कास्त के आदमी को, किसी भी ओबीसी के आदमी को, किसी भी महिला को, किसी भी मूल निवासी को, किसी भी छोटी जाति वाले लोगों को मंदिर में नहीं जाना चाहिए। अगर राम कृष्ण या ईश्वर का नाम भी आ जाए तो कुल्ला कर लेना चाहिए, कॉन्ग्रेट करना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए, किसी ईश्वर के ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि अपदीप भवो, अपना दीपक स्वयं बनो, ऊपर इन आकाश की बदलियों से निकलकर कोई फरिश्ता आपकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए नहीं आएगा, आपको अपना भला खुद करना होगा। इसलिए हेल्प योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।